हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के DFA का टॉपिक देखने वाले हैं और उसका आज हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। डिजाइन DFA फॉर स्ट्रिंग विच एक्सेप्ट स्ट्रिंग दैट कंटेनिंग 101 एज इट्स सब स्ट्रिंग। ठीक है, यानी ऐसे स्ट्रिंग हम लोगों को यहाँ पे लेने हैं जिस स्ट्रिंग में आपको 101 इंक्लूड करना है। ऐसे स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं हमारा। अभी सबसे पहले आप लोगों को पता है यहाँ पे हम लोग टपल्स लिख लेते हैं। तो टपल्स हम लोगों को पता है क्या क्या है हमारे टपल्स यहाँ पे। तो समेशन यानी क्यू स्टेट चाहिए हम लोगों को। समेशन Q0 इनिशियल स्टेट होती है हमारी, डेल्टा एंड देन उसके बाद F यानी फाइनल स्टेट, बराबर है विद द DFA। देन यहाँ पे हम लोगों को लैंग्वेज चाहिए। लैंग्वेज यानी हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग कौन सी हम लोग ले सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रिंग क्या चाहिए जिसमें 101 इंक्लूड रहे, बराबर है, जिसमें 101 आपके स्ट्रिंग में इंक्लूड चाहिए। तो फर्स्ट स्ट्रिंग हम लोग 101 ही ले लेते हैं, ठीक है। देन सेकेंड स्ट्रिंग 1101, बराबर है, 10101 ऐसे भी ले सकते हैं हम लोग, या 100101 ऐसे नंबर ऑफ स्ट्रिंग आप यहाँ पे ले सकते हो। तो इसको हम लोग लैंग्वेज कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने बोल दिया है लैंग्वेज। फिर इसके बाद हम लोगों को चाहिए ट्रांजिशन ग्राफ, ट्रांजिशन ग्राफ, ठीक है। हाँ, इसके पहले वाले प्रोग्राम प्रॉब्लम में ही मैंने आपको बताया था कि हम लोग ट्रांजिशन ग्राफ ट्रांजिशन टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग ड्रॉ करेंगे ट्रांजिशन ग्राफ। तो इसीलिए हम लोग ट्रांजिशन ग्राफ के लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोगों को देखना है फाइव टपल्स ऑफ DFA R, बराबर है, फाइव टपल्स ऑफ DFA R। m इक्वल टू, अब सबसे पहले m में हम लोगों ने क्या लिया था, q दैट मीन्स फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, ठीक है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे आप लोगों को कितनी स्टेट लगने वाली है वो आपको लिखना है। तो मुझे यहाँ पे अगर हम लोग कंसिडर करेंगे 101 यानी 3 अल्फाबेट से यानी 3 डिजिट है इसमें, तो इसीलिए हमारी स्टेट जो है वो 4 स्टेट हम लोगों को लेना है, यानी Q0, Q1, Q2 एंड Q3। ये हो गया आपका Q यानी फाइनाइट स्टेट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, ठीक है। देन हम लोगों को चाहिए समेशन। तो समेशन हमको पता है क्या है समेशन, यहाँ पे 0 एंड 1, तो यहाँ पे आपको लिखना है 0 1, ठीक है। उसके बाद Q0, ये तो इनिशियल स्टेट ही है, वो चाहिए ही हमको। फिर हम लोगों को लिखना है डेल्टा, बराबर है, फिर हम लोगों को चाहिए डेल्टा। और फाइनल स्टेट अभी हम लोगों को पता नहीं है, तो फाइनल स्टेट के लिए हम लोग यहाँ पे स्पेस छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल स्टेट के लिए मैंने स्पेस छोड़ दी है यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या यूज किया है वो हम लोगों को यहाँ पे कंसिडर यानी डिस्प्ले करना है। तो क्यू क्या था मेरा, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे क्या क्या आया है, Q0, Q1, Q2, Q3, बराबर है। देन समेशन यानी इनपुट सिंबल यानी 0 एंड 1, बराबर है, ये है इनपुट सिंबल। Q0 इनिशियल स्टेट है और Q जो भी है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको फाइनल स्टेट बोलेंगे, वो हम लोग बाद में टेबल के अकॉर्डिंग यानी जब हम लोग उसका वेरिफिकेशन करेंगे स्ट्रिंग का, तो हम लोगों को फाइनल स्टेट कौन सी है वो पता चल जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद अभी हम लोग ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रांजिशन टेबल जीरो एंड वन, बराबर है, और ये है हमारी क्यू। अब हम लोगों के पास क्या है, Q0 है, Q1 है, Q2 है एंड Q3 है, ठीक है। अब हम लोग 101 स्ट्रिंग कंसिडर कर लेते हैं। 101 के अकॉर्डिंग हम लोग हमारा ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है, हम लोग सॉल्व करते समय
यहाँ पे समेशन ले लेते हैं, फिर 101 हमारी स्ट्रिंग कौन सी है, 101, तो फर्स्ट हम लेंगे 1, सेकेंड हम लेंगे 10 एंड नेक्स्ट ले लेंगे हम लोग 101। ये आपको पेपर में लिखना नहीं है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। देन अभी हम लोगों को यहाँ का आंसर फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, समेशन और हमारा जो इनपुट सिंबल है जीरो, इसको हम लोग कंबाइन कर देते हैं, यानी समेशन जीरो। अब समेशन जीरो हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, समेशन जीरो ऐसी स्ट्रिंग है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो हम समेशन को कट कर देंगे। फिर जीरो, जीरो है क्या, नहीं है, बराबर है, तो ये भी कट हो जाएगा, यानी समेशन जीरो नहीं है हम लोगों के पास, तो जो हमारी इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट क्या है हमारी, क्यू जीरो, तो हमको वही आंसर यहाँ पे लिखना है, यानी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्यू जीरो, बराबर है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यू जीरो। फिर नेक्स्ट हम लोगों को समेशन के साथ कंबाइन करना है वन, समेशन वन, बराबर है, समेशन वन यहाँ पे नहीं है, तो समेशन को मैंने कट कर दिया। फिर वन, वन यहाँ पे है यहाँ पे वन, कौन से स्टेट के लिए है, क्यू वन, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा क्यू वन, ठीक है, ये वन यहाँ पे ना लिखते हुए यहाँ पे ऐसे, ठीक है। देन उसके बाद अभी वन और जीरो, यानी वन के साथ मैं कंबाइन करूंगी जीरो को, वन जीरो है यहाँ पे, है कहाँ पे है, क्यू टू, यानी इसलिए आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा क्यू टू, ठीक है। नेक्स्ट, अब वन के साथ हमको कंबाइन करना है वन, यानी वन वन, यहाँ पे हम लोगों के पास क्या आ गया, वन और वन, वन वन, इलेवन है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो एक वन कट कर दिया मैंने, रिमेनिंग रहा वन, एक वन, तो यहाँ पे वन है मेरे पास, तो कौन सी स्टेट आएंगी आपकी, क्यू वन, ठीक है, ठीक है। देन अभी नेक्स्ट हम लोगों के पास है वन जीरो, वन जीरो के साथ हम लोग जीरो को कंबाइन कर देंगे, वन जीरो जीरो है यहाँ पे, नहीं है, जीरो जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इनिशियल स्टेट, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यू जीरो, ठीक है। नेक्स्ट वन जीरो के साथ हम लोग वन को कंबाइन करेंगे, वन जीरो वन है मेरे पास, कौन सी स्टेट है, क्यू थ्री, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका क्यू थ्री, ठीक है। देन नेक्स्ट हम लोगों के पास है 101 और उसके साथ हम लोग कंबाइन करेंगे जीरो को, यानी स्ट्रिंग बन गई मेरी 1010 है यहाँ पे, नहीं है, मैंने वन को कट कर दिया, 010 नहीं है, मैंने जीरो को कट कर दिया, 10 है, तो यहाँ पे आपकी स्टेट आ जाएंगे क्यू टू, ठीक है। नेक्स्ट 101 के साथ मुझे अभी कंबाइन करना है वन, तो 1011 नहीं है, 011 नहीं है, 11 नहीं है, 1 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएंगे, क्यू वन, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ गया ट्रांजिशन टेबल। अब अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन टेबल हम लोग डायग्राम यानी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, बराबर है। तो सबसे पहले हम लोगों को 4 सर्कल लेने हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास 4 स्टेट है, क्यू जीरो, क्यू वन, क्यू टू एंड क्यू थ्री, ये मेरी इनिशियल स्टेट है, ठीक है। अब Q0 को जब मैंने 0 इनपुट दिया था तो हमको क्या आंसर मिला था, Q0, यानी Q0 को अगर मैं 0 इनपुट देती हूँ तो हमारा जो भी आंसर है वो Q0 आने वाला है, बराबर है। देन Q0 को अगर मैंने 1 इनपुट दिया था तो मेरी स्टेट आई थी Q1, Q0 को मैं 1 इनपुट देती हूँ तो स्टेट आती है Q1, बराबर है। Q1 को अगर 0 देते हम लोग तो कहाँ पे जाने वाले है, Q2 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। देन Q1 को अगर आप 1 देते हो तो आपको Q1 पे ही ट्रांसफर होना है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट Q2 को हमने 0 दिया तो Q0 पे जाने वाला है, Q2 को 0 दिया तो, बराबर है, 0 पे गया। Q2 को 1 दिया तो Q3 पे जाने वाला है 1, ठीक है। नेक्स्ट Q3 को अगर मैं 0 देती हूँ तो हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं, Q2 पे, बराबर है। Q3 को 0 दिया तो Q2 पे, Q3 को 0 दिया तो Q2 पे, बराबर है। और Q3 को अगर 1 देते हम लोग तो Q1 पे जाएंगे, Q3 को 1 देते हैं तो Q1 पे जाने वाले हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो इस टाइप से आपके आ जाएंगे डायग्राम। यहाँ पे हमने क्या क्या लिया है, Q0 यानी 101 आ गया हमारा। देन उसके बाद यहाँ पे हमने Q3 को, अब एक पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब हम लोग यानी जब भी हम लोग DFA के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं
तो हमारे स्ट्रिंग यानी हमारे स्ट्रिंग में अगर इनपुट सिंबल जो है वो इनपुट सिंबल ही इंक्लूड होते हैं, तो ऐसे वक्त हम लोगों को जो हमारी लास्ट स्टेट होती है तो उसको लूप कंसिडर कर देना है, और यहाँ पे आपको 0 1 दोनों इनपुट यहाँ पे आपको लिख देना है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम डीएफए के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हमारे स्ट्रिंग में जो सबस्ट्रिंग यानी जो भी सबस्ट्रिंग या जो भी स्ट्रिंग हमारी है उसमें इनपुट सिंबल ही हम लोगों को इंक्लूड करना है, तो ऐसे वक्त हम लोग जो हमारी लास्ट स्टेट होती है उसको लूप देके जीरो जो भी इनपुट सिंबल है वो वहां पे अब तुम हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है फाइनल स्टेट, मेरी फाइनल स्टेट कौन सी है, बराबर है। तो इसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा वेरिफिकेशन, मेरी स्ट्रिंग कौन सी है वेरिफिकेशन के लिए 1101 ये स्ट्रिंग हम लोग ले लेते हैं। तो डेल्टा Q01101 ये स्ट्रिंग मैंने ले ली है, बराबर है। डेल्टा 1101 इक्वल टू यहाँ पे डेल्टा Q0 यहाँ पे मैंने लिख दिया 1101। ठीक है, फिर यहाँ पे डेल्टा अगेन डेल्टा Q0 के साथ अभी कंबाइन करेंगे हम लोग 1 को, और बाकी जो मेरे डिजिट्स है उसको रिमेनिंग डिजिट्स को हम वैसे ही लिख देंगे यहाँ पे, यानी Q0 के साथ मैंने 1 को कंबाइन कर दिया यहाँ पे और रिमेनिंग जो डिजिट्स है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, देन डेल्टा, अब Q0 को जब आप 1 इनपुट देते थे, Q0 को जब मैंने 1 इनपुट दिया था तो मुझे कौन सी स्टेट मिली थी, Q0 को 1 इनपुट देने के बाद मुझे Q1 मिला था, बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको आंसर लिखना है Q1, और जो हमने हमारी रिमेनिंग स्ट्रिंग थी वो एज इट इज यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट डेल्टा, अब Q1 के साथ हमको 1 को कंबाइन करना है, यानी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डेल्टा। अब यहाँ पे मैंने Q1 के साथ 1 को कंबाइन कर दिया है और रिमेनिंग बची स्ट्रिंग है हमारे पास 01। ठीक है, देन डेल्टा Q1 को जब हमने 1 इनपुट दिया था, Q1 को जब 1 इनपुट दिया था हमने तो हमको आंसर मिला था Q1, बराबर है। तो यहाँ पे आपको लिखना है Q1, यहाँ पे आपको क्या लिखना है Q1, और रिमेनिंग जो हमारी स्ट्रिंग थी 01 वो हमने एज इट इज लिख दी है यहाँ पे, बराबर है। देन डेल्टा अगेन डेल्टा Q1 के साथ हम लोग कंबाइन करेंगे 0 को और रिमेनिंग स्ट्रिंग हमारी बच जाएंगी 1, बराबर है। देन अगेन डेल्टा Q1 को जब हमने 0 दिया था, तो हमको आंसर मिला था Q2, बराबर है। Q1 को 0 देने के बाद हमको आंसर मिला था Q2, तो यहाँ पे आ जाएगा Q2 और यहाँ पे आपका 1। ठीक है, अब हमको डेल्टा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे डेल्टा ऑलरेडी है। Q2 को जब हमने 1 दिया था तो मुझे क्या मिला था आंसर Q3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका Q3। तो आपको यहाँ पे पता यानी यहाँ पे आपको फाइनल स्टेट पता चल चुकी है Q3, तो यहाँ पे आपको लिखना है Q3 इज द फाइनल स्टेट हेंस जो भी स्ट्रिंग है हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय DFA हम लोगों को लिखना है, बिकॉज Q3 इज द फाइनल स्टेट हेंस स्ट्रिंग एक्सेप्टेड बाय DFA, बराबर है। तो ट्रांजिशन टेबल में आप लोगों को Q3 को सर्कल करना है क्योंकि वो फाइनल स्टेट है, और ट्रांजिशन ग्राफ में भी आपको जो फाइनल स्टेट है उसको डबल सर्कल यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ठीक है, और फाइनल स्टेट के लिए हमने यहाँ पे जगह छोड़ दी थी, तो यहाँ पे आपको लिखना है Q3। ठीक है, तो इसी वजह से आपको आपके जो DFA के प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लेना है।